नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको इंडियन आर्मी वोमेन मिलिट्री पुलिस रिक्रूटमेंट 2021 की भर्ती के बारे में बताऊंगा। तो भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो देखिए दोस्तों, यह है आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको बताया गया है एनरोलमेंट ऑफ सोल्जर जर्नल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस बिलो ऑफिसर रैंक फॉर आरटीजी ईयर 2021-22। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि आपको बताया गया शुरू में कि टोटल 100 सोल्जर्स की जो है यहाँ पर भर्ती होगी, जो कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होगी इंडियन आर्मी में। और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही मैंडेटरी है, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ही आप इस भर्ती के लिए आपका एप्लीकेशन जो लेटर है उसे फिल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी जो शुरुआती डेट है वो होगी 6 जून 2021, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन 6 जून 2021 से शुरू होकर 20 जुलाई 2021 तक चलेंगे। इस दौरान आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके जो एडमिट कार्ड्स होंगे वो आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी पर ही भेजे जाएंगे। और ये जो रैली है ये अम्बाड़ा, लखनऊ, जबलपुर, बेलगाम, पुणे और शिलोंग में प्रस्तावित है। हालांकि ये कन्फर्म नहीं है, बाकी इन जगह पर ये रैली हो सकती है। अब इसके बाद आगे चलकर यहाँ पर इस भर्ती से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है वो दिखाई गई है। जैसे कैटेगरी का नाम यहाँ पर सोल्जर जर्नल ड्यूटी है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, आपकी एज जो है वो 17 से 21 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर डेट भी दी गई है, यानी कि आपका जो जन्मदिन है यानी कि जन्मतिथि वो 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में होनी चाहिए। और जो आपकी हाइट होगी वो 152 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और जो वेट होगा वो आपकी हाइट के हिसाब से मापा जाएगा। और अगर बात करते हैं एजुकेशन की, तो आपको 10वीं पास होना चाहिए कम से कम 45% मार्क्स के साथ और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर जो आपके एडमिट कार्ड इशू होंगे वो एक कट ऑफ लगेगी, उसी से अब के जो एडमिट कार्ड्स हैं वही इशू होंगे। यानी जितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है उन सभी के एडमिट कार्ड्स नहीं आएंगे और आपके जो कट ऑफ है वो 10th के जो मार्क्स हैं उन्हीं के हिसाब से लगाई जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर आपके फिजिकल फिटनेस दी गई है, यानी कि आपको 1.6 किलोमीटर रन यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना है और लॉन्ग जंप 10 फीट की होगी और जो हाई जंप है वो 3 फुट की होगी। अब इसके बाद आगे चलकर यहाँ पर छूट के बारे में बताया गया है, यानी कि रिलैक्सेबल के बारे में। तो अगर आप डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वार विडो, डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन इन कैटेगरी से रिलेट करते हैं तो आपको हाइट में 2% की छूट मिलेगी और वेट यानी वजन में भी आपको 2% की छूट मिलेगी। इस तरह से आप ये पूरी टेबल को पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम या फिर गोरखाज या फिर गढ़वालिया है तो आपको जो है 4% की छूट मिलेगी हाइट में। और डोमिसाइल और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो हाइट में छूट के लिए ज़्यादा जरूरी होंगे। अब इसके बाद आगे चलकर आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिखाए गए हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर आपका जो फिटनेस है आपको मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए, जेंडर आपका फीमेल ही होना चाहिए अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, अगर आप प्रेग्नेंट पाए गए हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिखाए गए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और जो पॉइंट जी है यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपने पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा CEE यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जिन कैंडिडेट्स का फिजिकल और मेडिकल क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको एडमिट कार्ड के द्वारा वेन्यू, लोकेशन और डेट जो है वो बताई जाएगी कि कहाँ पर आपका CEE यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको वहां पर जाना है। और दोस्तों, CEE में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी और जिन कैंडिडेट्स का रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाता है उसका रिजल्ट आपको डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और दोस्तों, यहां पर आपका कोई एक्स्ट्रा बाय पोस्ट या फिर ऐसे करके कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। यहां पर आपको बोनस मार्क दिखाए गए हैं कि CEE में किसे बोनस मार्क मिलेंगे, तो अगर आप डॉक्टर ऑफ सर्विसमैन, डॉक्टर ऑफ एक्स सर्विसमैन या फिर DOWW या फिर DOW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20 मार्क्स की छूट मिलेगी। और अगर आपके पास NCCA सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स की छूट मिलेगी। अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क। और अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है, CEE जो एग्जाम है वो देने की जरूरत है नहीं। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ऊपर कैटेगरी का हमने जिक्र किया है, आप जब भी रैली साइट पर जाएंगे यानी कि जब भी आप फिजिकल या मेडिकल या फिर टेस्ट देने जाएंगे तो आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही लेकर जाने होंगे। अब इसके बाद आपकी मेरिट प्रिपरेशन बताई गई है कि जितनी भी लोकेशन है जहाँ जहाँ पर रैली हुई है उन सबकी मेरिट लिस्ट अलग अलग लगेगी। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया हुआ है, यहाँ पर जो आपका पहला वो है एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल साफ और सही होना चाहिए। इसके बाद आपके फोटोग्राफ्स के बारे में बताया गया, आपके जो 20 फोटोग्राफ होने चाहिए अनअटेस्टेड होने चाहिए और पासपोर्ट साइज में कलर फोटोग्राफ्स होने चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की, तो आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। आपने कुछ भी किया हो चाहे मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन किसी भी कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। इसके बाद आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्लास या कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट, ये सभी आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। और साथ में
अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना होगा। और यहाँ पर आपको बताया गया है अगर आप मैरिड कैंडिडेट हैं यानी कि जो जो कैंडिडेट विडो है, डिवोर्स है या फिर लीगली सेपरेटेड है, उनको अपना सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाना होगा। और एम पॉइंट में आपको बताया गया कि आपका सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको जैसे एक पॉइंट बता देता हूँ, पॉइंट नंबर 13 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप अपने फॉर्म भरने से पहले ही अपने एजुकेशन क्राइटेरिया, एज, फिजिकल क्राइटेरिया आपने चेक कर लिया, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 14 में आपको बताया गया है कि गिवन एंड टेकिंग ब्रीफ्स यानी कि रिश्वत लेना और देना, फेक सर्टिफिकेट्स, ये सब अनफेयर मीन्स है, इसमें अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टैटू के बारे में जानकारी दी गई है। तो परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट, यानी कि आपका जो परमानेंट टैटू है वो आपके एल्बो यानी कोहनी से लेकर रिस्ट अगर आपकी कलाई तक है तो वो आपका टैटू माना जाएगा, अदरवाइज आपका जो टैटू है वो नहीं माना जाएगा और आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 23 में आपको एक टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, अगर आपकी कोई भी क्वारीज है, कोई भी डाउट है तो आप इन फोन नंबर पर कॉल करके अपने जो क्वारीज या फिर डाउट है उन्हें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन फॉर्म करके एक साइट का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी नीचे आपको नोटिफिकेशन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स के लिंक मिल जाएंगे, आप उन लिंक पर क्लिक करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और दूसरे जॉब नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।